नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। इतिहास में लगभग किसी भी टीम से जुड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन रहे हैं। हालांकि इस युवा क्रिकेटर के करोड़पति बनने के विवाद शुरू हो गए, जिसकी उम्र को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि वैभव के पिता ने आलोचना करने वालों को करार जवाब दिया है और कहा है कि वे किसी से नहीं डरते हैं, जो भी जानकारी दी गई है वह सही है। लागत से ज्यादा कमाई करके हिट का टैग तो हासिल कर लिया है, लेकिन वैसा आप मंडल नहीं रच पाई जैसा इस टू सरीखी फिल्म में रचा। आलम यह है कि महीना भर होते होते सी कमाई हुई अब लाखों में सिमट गई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच ट्रूथ पर साझा कई पोस्ट में कहा कि 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ सबसे पहले काम कैनेडा, चीन और मैक्सिको से आने वाले सामान पर टैरिफ लगाने का ही करेंगे। यूपी के युवाओं को विदेश में नौकरी करने का अवसर मिलेगा। दुनिया के जिन देशों में वैकेंसी है उनका डेटा तैयार किया जा रहा है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पूरी दुनिया में बड़ी संख्या में नौकरियां हैं। महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के बाद भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को सीएम और एकनाथ शिंदे व अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाने के प्रस्ताव पर एनसीपी की सहमति है, लेकिन शिवसेना चाहती है कि पोस्ट से बहाल हो और शिंदे फिर सीएम बने। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता बनाए जाने के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में जल्दी याचिका दाखिल करेगा। बोर्ड ने 23-24 नवंबर को बेंगलुरु में हुए 29वें अधिवेशन में निर्णय लिया। अधिवेशन में वक्त संशोधन विधेयक लोकसभा पास होने पर दिल्ली से लोकतांत्रिक तरीके से जन आंदोलन शुरू करने पर भी सहमति बनी। की गवर्नर शक्तिकांत दास की तबियत बिगड़ गई है, इसके बाद उन्हें चेन्नई के अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरबीआई अधिकारियों ने बताया कि शक्तिकांत दास को चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, वे ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है। देहरादून में एथलेटिक्स ट्रैक की खुदाई के चलते अब दसवें राष्ट्रीय खेल आगे खिसक सकते हैं। अब खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी के बजाय 15 फरवरी से 2 मार्च के बीच कराए जा सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में किसी राजनीतिक बैठक के लिए नहीं बल्कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचे। फडणवीस ने खुद मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वे दिल्ली में शादी में शामिल होने के लिए आए थे और उनके दिल्ली दौरे का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सीएम ने कहा कि जिन लोगों ने भारत के संविधान का गला घोटने की कोशिश की जनता ने उन्हें सबक सिखाया है। कहा कि संविधान 140 करोड़ भारतीयों को जोड़ने का काम करता है, मूल कर्तव्यों का निर्वहन ही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।